हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन. ओके, यू कैन सी द पर्टिकुलर स्क्रीन ओवर, यू कैन सी द पर्टिकुलर स्लाइड ओवर द स्क्रीन कि डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ इंटेंशन वी हैव अ वेरियस टाइप ऑफ पॉइजन. सुसाइडल पॉइजन है, होमिसाइडल पॉइजन है, एक्सीडेंटल पॉइजन है, स्टुपीफाइंग पॉइजन है. ओके, तो ये जो पॉइजन है ना, फॉर इंटेंशनली वाई वी आर यूजिंग फॉर इंटेंशनल पर्पस. तो सुसाइडल इंटेंशन अगर हमारा रहेगा या फिर सुसाइडल पर्पस के लिए हम अगर कोई पॉइजन इंड्यूस करते हैं या फिर पॉइजन लेते हैं, देन डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये होना चाहिए. अगर होमिसाइडल पॉइजन के लिए किसी पर्सन ने, ओके, किसी पर्सन को, किसी को अगर मारना है या फिर उसको उसकी डेथ करनी है, तो डेफिनेटली उसको ऐसा पॉइजन देना चाहिए, पॉइजन देना चाहिए कि वो चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस. उससे उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको कोई पॉइजन दे रहा हूँ या उसको पॉइजन किस में मिला के दे रहा है, उसको पता नहीं चलना चाहिए. ओके, हाईली टॉक्सिक होना चाहिए, यानी थोड़ा सा दिया मैंने, इमीडिएट उसकी डेथ होनी चाहिए. तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन, ये हमें पता होना चाहिए. ओके, तो सुसाइडल पॉइजन के लिए जो नॉर्मली सुसाइडल करने का जो वे होता है, कटिंग ऑफ रेडियल आर्टरी, ओके, या फिर पर्टिकुलरली इंसाइजिंग और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसिबल साइड्स ऑफ फोर आर्म्स. ओके, इंसाइज हम करते हैं अपने हैंड्स को, इंसाइज करते हैं. ओके, तो ये सुसाइड करने के अलग अलग वेज हैं. पॉइजन का एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, सुसाइडल का वे है. तो पर्सन सुसाइडल करने के लिए, फिर सुसाइड करने के लिए कौन सा पॉइजन लेगा, हाईली टॉक्सिक वाला पॉइजन लेगा. ओके, पेनलेस वाला जो पॉइजन होगा वो लेगा, और क्विक डेथ जो कराएगा वो पॉइजन लेगा. ओके, क्योंकि पर्सन को सुसाइड करने का है तो क्विक डेथ होनी चाहिए. ओके, बिकॉज अगर क्विक डेथ नहीं होगा, अगर वो पर्टिकुलरली स्लाइटली उसकी डेथ होती है या फिर स्लाइटली उस पर्टिकुलर पॉइजन का प्रोग्रेशन देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली वो जो सुसाइडल पर्पस के लिए या फिर इंटेंशनली के लिए जो ले रहा था वो उसके रिलेटिव या फिर उसके पेरेंट्स वगैरह उसको सर्वाइव करा देंगे. ओके, तो उसको सर्वाइव तो होना नहीं है, उसको सुसाइड करना है, तो डेफिनेटली क्विक डेथ होनी चाहिए, पेनलेस डेथ होनी चाहिए. ओके, और हाईली टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा अगर वो पर्टिकुलर पॉइजन में लेता हूँ तो डेफिनेटली डेथ होनी चाहिए या फिर सुसाइड होना चाहिए. होमिसाइडल पॉइजन देखिए, पॉइजन टू किल समवन एल्स. ओके, पॉइजन टू किल समवन एल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमिसाइडल पॉइजन बोलते हैं. वी आर गिविंग और वी आर मिक्सिंग इन अ काइंड ऑफ यू कैन से सब्सटेंस और आइटम्स. ओके, एंड वी आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर आइटम टू अ काइंड ऑफ पर्सन होम वी आर होम वी वॉन्ट टू किल दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, तो पॉइजन टू किल समवन एल्स, दैट इज नथिंग बट अवर होमिसाइडल पॉइजन. होमिसाइडल पॉइजन के लिए देखिए, इट शुड बी चीप. जिसको हमें मारना है उसको मारने के लिए जो हम पॉइजन दे रहे हैं वो पॉइजन शुड बी चीप. ओके, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होना चाहिए. सॉरी, तो जो पॉइजन हम दे रहे हैं ना, दैट शुड बी अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. हम उसको दे रहे हैं, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको कोई पॉइजन मिला के दे रहा हूँ. ओके, दैट्स वाई इट शुड बी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. हाईली टॉक्सिक होना चाहिए. साइन एंड सिम्टम्स ये जो है रिजेंबल विथ नेचुरल डिसीजेस. ओके, पता नहीं चलना चाहिए, अगर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में गया तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसको कोई पॉइजन वगैरह मिला के दिया था. तो इट शुड बी रिजेंबल विथ नेचुरल डिसीज. ये अनफॉर्चुनेटली बाय स्ट्रोक की वजह से या फिर काइंड ऑफ यू कैन से इस्केमिक हार्ट डिसीज की वजह से, ड्यू टू सडन एलिवेटेड टेम्परेचर या फिर ड्यू टू सडन एलिवेटेड बॉडी ब्लड प्रेशर. ओके, सो उससे उसकी क्या हुई, डेथ हुई है. तो नेचुरल डिसीज़ के जो कॉसेज होते हैं ये उसी रिजेंबल वाले सिम्टम या फिर साइन प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा पॉइजन होना चाहिए. नो डिटेक्शन. ओके, नो एंटीडोट. अगर बचता भी है तो कोई एंटीडोट नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइजन का. एग्जाम्पल देखिए, आर्सेनिक, एकोनिटम एंड स्ट्रिकनिन, ये सभी जो पॉइजन है ना, बहुत ही डेंजरस पॉइजन होते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में अगर किसी को मिला के देते हैं, ये सभी पॉइजन टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. किसी को अगर हम मिला के देते हैं तो डेफिनेटली ही विल नॉट आइडेंटिफाई और ही कांट आइडेंटिफाई कि हम उसमें कोई उसको पॉइजन मिला के दे रहे हैं या नहीं हो रहे. ओके, तो इंटेंशनली वी आर यूजिंग द होमिसाइडल पॉइजन टू किल समवन एल्स. ओके, एक्सीडेंटल पॉइजन देखिए, इंक्लूड स्नेक बाइट्स कंज्यूम बाय मिस्टेक. ओके, ये हमारे आते हैं क्विक रेमेडीज जो रहते हैं या फिर केयरलेस जो स्टोर होते हैं. तीन फॉर्म है देखिए. एक्सीडेंटल पॉइजन मतलब एक्सीडेंटली हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेट कर लिया या फिर जो चाइल्ड से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट कर लिया. तो स्नेक बाइट्स रहते हैं कंज्यूम बाय मिस्टेक. ओके,
देन क्विक रेमेडीज रहते हैं एंड केयरलेस स्टोरेज, फिनोल वगैरह के जो बॉटल्स वगैरह जो रहते हैं, केयरलेस स्टोरेज की वजह से द चिल्ड्रंस दे कंज्यूम एक्सीडेंटली, दैट इज नथिंग बट आवर केयरलेस स्टोरेज ऑफ आवर द पॉइजनस मटेरियल. ओके, दैट इज एक्सीडेंटली अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल पॉइजन. स्टूपिफाइंग पॉइजन देखिए, अल्टर द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन फॉर सम टाइम ओनली, दैट इज कॉल्ड स्टूपिफाइंग पॉइजन. वी आर मेकिंग फूल टू अदर्स, दैट इज नथिंग बट स्टूपिफाइंग पॉइजन. तो फॉर अ रॉबरी पर्पज और यू कैन से फॉर अ थीफिंग पर्पज वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉइजन. एग्जाम्पल देखिए, धतूरा, अल्कोहल एंड कोकेन, ये सभी हमारे आते हैं. तो यूज फॉर रॉबरी, यूज फॉर रेप, यूज फॉर डेक्यूटी, ओके, और यूज फॉर थेफ्ट. तो अल्टीमेटली ये सभी पर्पज, ये सभी इंटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ये सभी पॉइजन का यूज़ करते हैं. रेप वगैरह को इंड्यूस करने के लिए हम फीमेल को अल्कोहल वगैरह एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं. ओके, दैट्स वाई उसका जो कॉन्शियस वगैरह जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, एंड वो उस पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज भी हो जाती है एंड उसको पता भी नहीं चलता है. देन रॉबरी वगैरह करने के लिए नाइट वगैरह में क्या करते हैं कि ये काइंड ऑफ धतूर वगैरह स्मेलिंग वगैरह से या फिर धतूर एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद डेफिनेटली उसको कोई उसका जो कॉन्शियस रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो ये सभी डिस्टर्ब कॉन्शियस को इंड्यूस करने वाले ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं पॉइजन्स के, और ये हमारे स्टूपिफाइंग पॉइजन के कैटेगरी में आते हैं. अल्टर द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन फॉर सम टाइम ओनली, एंड जो इंटेंशन के लिए वो इस पॉइजन का यूज़ किया था वो इंटेंशन वो कंप्लीट करके चला जाता है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो जैसे ही उस पर्टिकुलर पॉइजन का इफेक्ट जाएगा डेफिनेटली पर्सन अगेन वो अपने नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, लेकिन तब तक तो जो काम होना था वो हो चुका. ओके, ये देखिए एबॉर्टिफिशियन, एबॉर्टिफिशियन नाउ डेज बहुत ही यूज़ किया जा रहा है टू इंड्यूस अबॉर्शन. कॉटन गेट वेट्स विथ लैटेक्स ऑफ अर्क एंड प्लेस नियर टू इंटरनल ओएस टू इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स एंड एक्सपल्जन ऑफ द कॉन्सेप्टस एट इज डन. ओके, तो ये नॉर्मली जो हर्बल्स के जो पैथेज होते हैं उनमें, मतलब वाया हर्बल पैथी हम कैसे पर्टिकुलर एबॉर्टिफिशियन या फिर हाउ वी कैन डू द एबॉर्शन. ओके, ये हमारा वेज बताया गया है. लेकिन डेफिनेटली मॉडर्न में अगर किसी को अबॉर्ट कराना है तो वहाँ पे मिफीप्रिस्टोन एंड मिजोप्रिस्टोन की हम ये जो मेडिसिन होता है ये हम उनको देते हैं. तो 5 टैबलेट्स रहता ही है, मिफीप्रिस्टोन, मिजोप्रिस्टोन, ये टोटल मिला के 5 टैबलेट्स रहते हैं. ये कंज्यूम करने के बाद कोई भी वहाँ पे कॉन्सेप्टेड मटेरियल है या फिर कोई भी कॉन्सेप्शन हुआ है उसका जो अबॉर्शन हो जाता है. ओके, तो एकोनेटम, ओलियंड्रम एंड कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है. कैस्टर ऑयल ये करता है परगेटिव है एंड दैट्स वाई परगेटिव एक्शन के वजह से ही क्या करता है ये सडन रिमूवल ऑफ द कॉन्सेप्टेड मटेरियल. ओके, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो एम्ब्रियो है या फिर जो फीटस जो डेवलप होने वाला है अंदर एम्ब्रियो यूट्रस में, ओके, या फिर ओम्स ऑफ द मदर में, वो उसका सडन एक्सपल्जन हो जाता है. तो एबॉर्टिफिशन उसे हम बोलते हैं टू एक्सपल आउट द कॉन्सेप्टस मटेरियल और टू रिमूव द आवर द डेवलप फीटस और एम्ब्रियो. ओके, कैटल पॉइजन देखिए, टू किलिंग ऑफ कैटल्स, एब्रस प्रीकैटोरियस, स्नेक वेनम एंड एकोनिट, ये हमारे क्या हैं, कैटल पॉइजन टू किल द कैटल्स. किलिंग ऑफ कैटल्स, वाई वी आर डूइंग दिस, तो अल्टीमेटली अगेन रिवेंज वगैरह लेने के लिए हम इसको करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन करते हैं, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है. रिमूवल ऑफ अनऑब्जर्व पॉइजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा रहता है कि अगर कोई अनऑब्जर्व पॉइजन है तो उसको हमें निकालना है बाय गैस्ट्रिक लवाज और बाय ओमिटिंग, इंड्यूसिंग ओमिटिंग. ओके, तो इंड्यूस ओमिटिंग एंड बाय गैस्ट्रिक लवाज, ये हमारे दो वे रहते हैं अनऑब्जर्व पॉइजन को निकालने के लिए. एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्व पॉइजन, एब्जॉर्व पॉइजन को भी हम निकाल सकते हैं बाय गिविंग फोर्स डायूरेसिस. ओके, या और यू कैन से कि परग्यूशन वगैरह देकर भी हम एब्जॉर्व पॉइजन को निकाल सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, अगर नेचर ऑफ जो पॉइजन है अगर हमें पता नहीं चल रहा है एंड इफ यू नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कौन से पॉइजन बंदे ने कंज्यूम किया है, देन डेफिनेटली हम उसको एंटीडोट देते हैं. ओके, फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट या फिर यूनिवर्सल एंटीडोट देते हैं. ओके, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम देते हैं ताकि जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको क्या हो, रीअश्योर हो या फिर उसको क्या हो, एश्योरेंस मिले कि आई कैन सर्वाइव. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स, उसको अगर फीवर आता है तो पीडीमोल, पैरासीटामोल, ओके, फैल्सिगो वगैरह, ऐसे भी क्या करेंगे, इंजेक्शन वगैरह देंगे, आईवी फ्लूइड्स पर रखेंगे उसको, कोई वाटर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम बैलेंस करेंगे. अगर पेन आएगा तो उसको डायनापर इंजेक्शन वगैरह देंगे, डाइक्लोफिनेक, डोलो वगैरह देंगे. ओके,
तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे सिम्टम्स दे डाय ड्यू टू द पर्टिकुलर सिम्टम्स, ओके, पर्टिकुलर सिम्टम्स को बहुत पेन होता है, उनको बहुत एब्डोमिनल पेन होता है, उनको बहुत सारे लूज मोशन होते हैं, तो ये सभी सिम्टम्स की वजह से क्या होते हैं, दे डाय। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो देखिए फॉर अगर अनअब्जॉर्ब पॉइजन, आप देखिए अलग अलग रूट्स अगर लिया गया है, तो इनहेल पॉइजन अगर होता है तो आप ओपन एटमॉस्फेयर में पेशेंट को लेके जाओ, उसके एयर वे क्लीन करो, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हो तो डेफिनेटली इनहेल पॉइजन में अनअब्जॉर्ब पॉइजन क्या होगा, ये निकल सकता है। इंजेक्टेड पॉइजन देखिए, अगर कोई इंजेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, जैसे कि स्नैक बनम, सॉरी जो स्नैक बाइट होता है, स्कॉर्पियन बॉडी, ये हमारे क्या है, इंजेक्टेड पॉइजन है। तो यूज़ ऑफ टॉर्निकेट, आपको पार्ट इंसाइज करना है और सक्शन करना है, ये हमारे इंजेक्टेड पॉइजन में क्या हुआ, अनअब्जॉर्ब पॉइजन को निकालने का वे है। कॉन्टैक्ट पॉइजन है तो आपको क्या करना है, वॉश योर द कॉन्टैक्ट एरिया विद द सोप एंड वाटर, ओके। अगर वो पॉइजन अगर अंदर लिया गया है तो आपको क्या करना है, इंडक्शन ऑफ ओमिटिंग एंड गैस्ट्रिक लवाज, वॉशिंग ऑफ योर स्टमक एंड ओमिटिंग। तो ओमिटिंग इंड्यूस किसके थ्रू करोगे आप, ये देखिए मस्टर्ड पाउडर और कॉमन सॉल्ट आप लेकर, कॉमन सॉल्ट या फिर मस्टर्ड पाउडर आपको पानी में मिलाना है, लुकम वाटर में मिलाना है, और आपको ये पेशेंट को देना है, ओके। देने के बाद डेफिनेटली उसको क्या होगा, ओमिटिंग होगा। तो एनी इंजेक्टेड पॉइजन विद इन 4 to 6 आवर आप उसमें ओमिटिंग इंड्यूस कर सकते हो। कॉन्टेंडिकेशन देखिए, करोजिव एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, अगर फिनोल है तो भी आप ओमिटिंग इंड्यूस कर सकते हो, एक्सेप्ट है ये केस, एक्सेप्ट है क्योंकि कार्बोलिक एसिड एसिड है, और कार्बोलिक एसिड को छोड़कर जितने भी एसिड आते हैं, जितने भी हमारे अल्कलीज हैं, जितने भी हमारे एसिड्स हैं, उनमें हम ओमिटिंग इंड्यूस नहीं करते। कोमा पेशेंट है या फिर चिल्ड्रन या फिर कन्वर्जन स्टेट ऑफ पेशेंट है तो उसको हम ओमिटिंग इंड्यूस करने नहीं बोलते, ओके। गैस्ट्रिक लवाज देखिए, इंजेस्टेड पॉइजन विद 4 to 6 आवर, ओके, तब हम गैस्ट्रिक लवाज प्रेफर करते हैं। प्रोसीजर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वॉश विद प्लेन वाटर, एंड बाद में आपको पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, स्टमक को वॉश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 500 ml पर्टिकुलर फनल शेप ट्यूब से आपको क्या करना है, स्टमक में डालना है, एंड आपको 500 ml के बाद ही जो रिमेनिंग आपको ऐड करना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन है आप उसको ऐड कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है, और बाद में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन आपको बनाना है, 1 gram इन 1 liter वाटर में आपको उसको मिलाना है, और 500 ml आपको पेशेंट को देना है, ओके। 500 ml देने के बाद 500 ml आपको सीरीज से निकालना है, अगेन देन 500 ml देना है। तो ऐसे आपको 500 ml अगेन एंड अगेन पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज पर्पज़ के लिए देना है। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन के लिए जो अलग अलग तरीके बनाए गए, देखिए मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड जो चारकोल देते हैं वो हम देते हैं, इसका लाइव केस मैंने देखा है, फिनोल का केस था, और वहाँ पे सिमेथोकोलिन ऐसा करके एक चारकोल की टैबलेट थी, वहाँ पर पर्टिकुलर फिजिशियन या फिर जो डॉक्टर था वो उसने प्रिस्क्राइब किया था मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल, फोर्स डायरेसिस करके फ्यूरोसिमाइड्स मैनिटोल वगैरह देकर भी, ये हमारे क्या बहुत ही डायबिटिक है, ओके। पेशेंट को यूरिनेशन या फिर यूरिन बहुत यूरिनेशन के थ्रू क्या करता है, ये पॉइजन को निकाल देता है, परिगेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, हीमोडायलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, हीमोपरफ्यूजन, प्लाज्माफेरेसिस, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, या तो ब्लड पूरा ब्लड आपको करो ट्रांसफ्यूज कर दो, हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन, ओके, हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन मतलब आप पेशेंट को बहुत सारे ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कर दो, ओके, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट यूजिंग मैकेनिकल एंटीडोट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाय केमिकल बाइंडिंग, ओके, फिजिकल फिजियोलॉजिकल एंटीडोट हमारे रहते हैं, और चिलेशन थेरेपीज हैं। ये सभी क्या करेंगे, अगर बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया है पॉइजन का तो उसको निकालने के कौन से तरीके हैं, ये हमारे अलग अलग एंटीडोट हैं। तो फिजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट में जो घीज रहते हैं, ओके, जो बटर्स हैं या फिर जो मिल्क है, फैटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम पेशेंट को देते हैं ताकि म्यूकोस मेम्ब्रेन में फर्दर अब्जॉर्प्शन ऑफ जो पॉइजन फर्दर अब्जॉर्ब हो रहा है वो फर्दर उसका अब्जॉर्प्शन ना हो। तो लैपिस फैटी सब्सटेंस, ओके, और मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह हम देते हैं, ये हमारे मैकेनिकल एंटीडोट हैं। तो मैकेनिकली वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। न्यूट्रलाइजेशन बाय केमिकल बाइंडिंग, ओके, तो अगर कोई पॉइजन ऑलरेडी ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया है तो उसको अ काइंड ऑफ यू कैन से कि ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकली हम केमिकल एंटीडोट देते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइजन जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा
उसको नलीफाई करने के लिए, वो सिम्टम को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीडोट देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट बोलेंगे। चिलेशन थेरेपी में, चिलेशन थेरेपी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी होता है। इसमें सपोज मेटल की अगर पॉइजनिंग होती है, ओके आयरन पॉइजनिंग होता है, या फिर आर्सेनिक पॉइजन है, या फिर लेड की पॉइजन है, या फिर कॉपर की पॉइजन है, तो ये सभी क्या हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल की अगर पॉइजनिंग होती है तो हम उसमें क्या कहते हैं, चिलेटिंग एजेंट देते हैं, डाइमर कैप्रॉल, देन कैल्शियम डाइसोडियम EDTA हम देते हैं, ओके कैल्शियम डाइसोडियम DTPA हमारे ये हम देते हैं, डाइमर कैप्रॉल देते हैं, डाइमर कैप्रॉल देते हैं मैंने आपको बताया, देन पेनिसिलामाइन है, डेसफेरोक्सामाइन है, ये सभी क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, उस पर्टिकुलर मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद रिजल्ट जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड, और जो मेटल जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली बॉडी के थ्रू वाया यूरिन और वाया डिफरेंट रूट ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो चिलेटिंग एजेंट का यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेटल पॉइजनिंग केसेस में चिलेटिंग थेरेपी हम देते हैं, चिलेटिंग एजेंट देते हैं, ताकि जो मेटल है ओके फ्रीली जो मूव कर रहा है सर्कुलेशन में वो निकल जाए। ओके तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।